हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी स्कॉलरशिप 2023 से 2024 के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में प्री मैट्रिक अर्थात क्लास 9th एंड 10th, इसके बाद पोस्ट मैट्रिक अर्थात 11th एंड इंटर, इसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, कहने का मतलब बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें आना है गूगल क्रोम में, इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप या फिर यूपी स्कॉलरशिप 2023 से 24, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप में क्लिक करना होगा। इसके बाद हम आ चुके हैं होम पेज पे। इसके बाद स्टूडेंट वाले सेक्शन में तीन ऑप्शन दे रखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। हमें रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। इसके बाद मैं आपको प्री मैट्रिक कैंडिडेट का करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पे दे रखा हुआ है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, एससी, एसटी और जनरल कैंडिडेट जो होंगे वो प्री मैट्रिक फ्रेश में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को ये दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करके भेज देगा। इसके बाद यहाँ पे अब हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले ऊपर सबसे दे रखे हुए हैं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो जो चीजें ये दे रखी हुई हैं, इन चीजों को हमें सही से फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही सही भरा जाए, जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार भरा जाए, आवेदन पत्र में तारांकित, कहने का मतलब जिसमें स्टार लगे रखे हुए हैं, प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है अर्थात कंपलसरी उनको फिल करना ही होगा। इसके बाद देखो सेकंड नंबर दे रखा हुआ है सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी चाहिए, कहने का मतलब नेम, फादर नेम या अदर चीजें जो जो भी आप फिल करेंगे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का यूज करना है दोस्तों, ना कि स्मॉल लेटर का। थर्ड नंबर दे रखा हुआ है पासवर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए, अभी पासवर्ड खुद से क्रिएट करना होगा, उसमें 6 से 12 वर्णों के बीच होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और एक विशेष वर्ण होना चाहिए। तो मैं आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कम से कम 90% लोग पासवर्ड बनाने में दिक्कत करते हैं, ठीक है, गलत करते हैं। इसके बाद हमको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अर्थात जिला, जिस भी आप जिले से बिलोंग करते हो। इसके बाद शिक्षण संस्थान, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है प्रेजेंट टाइम में जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है या जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको कैटेगरी अर्थात वर्ग या जाति समूह सेलेक्ट कर लेना होगा, एससी है, एसटी है, जनरल है, जो भी हो। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो। इसके बाद आपको स्टूडेंट का नेम लिखना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ध्यान रखना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो वो डालना है। बच्चा अगर क्लास 9th या 10th में है तो जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो। इसके बाद पासवर्ड बनाएंगे, इसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे, इसके बाद जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। पासवर्ड बनाने में चार चीजों का यूज करते हैं, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल करेक्टर और कुछ डिजिट का यूज करते हैं। नहीं समझ में आ रहा, मैंने स्क्रीन में एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर अभी प्रोवाइड कराया है उसमें ओटीपी गई है, तो जो बॉक्स दे रखा है ओटीपी डाले, इसमें हमें ओटीपी फिल करनी होगी। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है जो बॉक्स में दे रखा हुआ है। इसके बाद सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड, रजिस्ट्रेशन में हमें क्लिक करना है। ओटीपी नहीं गई है तो आप यहां पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दे रखा है रिसेंट ओटीपी, इसमें क्लिक करेंगे दोबारा चली जाएगी। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप इसको प्रिंट करके रख लेना या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना। आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दें, अभी फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी केवल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है।
अभी जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे वहां पे लिख के आता है वी आर सॉरी। अगर ये चीजें लिख के आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जब फॉर्म फिल होंगे तब मैं आपको एक न्यू अपडेट के साथ नया वीडियो लेके आऊंगा। ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।